स्वागत है फिर से आप सबों का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में देखिए खास क्या होने वाला है। एक नया अपडेट आया हुआ है पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल पे। तो आप लोग इस नई अपडेट में देखिए क्या देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स है ना। जैसे आपके विलेज में कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, कितने पेंडिंग हैं, कितने पेमेंट हो गए, कितने आधार कार्ड फेल्योर हैं या एक्सेप्ट हैं, कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं एक्सेप्ट रिजेक्टेड, कितने किस कारण से रिजेक्ट हुए हैं, पेंडिंग कितने है ना, सारी जानकारी आप देख सकेंगे और उसी हिसाब से आप अपना सुधार भी करा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर पे ही पीएम किसान या फिर जो है कि पोर्टल ओपन करने होंगे क्रोम ब्राउजर। अब यहाँ आपको टाइप करना है पीएम किसान, ठीक है, और सर्च करना है। स्टेप का इंटरफेस खुल कर आएगा जहाँ फर्स्ट जो पीएम किसान आ रहा है इस पर क्लिक करने होंगे। इस पर क्लिक करने से थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा और ये इस टाइप से आपके सामने आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ ये सारे सर्विसेज तो थे ही, इस बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है। इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे या इन स्क्रीन पर या फिर आई बटन वगैरह पर मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा जरूर। अब देखिए नया क्या है लेटेस्ट में, ये यही है, इसी को आप लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ देखिए पेमेंट सक्सेस फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है, आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद पीरियड आपका जो है कि यहाँ आप देख सकते हैं 1-2 इस टाइप से है। उसके बाद आप देखिए इंस्टॉलमेंट वाइज देख सकते हैं या फिर हम डैशबोर्ड ही देख लेते हैं पूरा पूरा, लिस्ट पे हम क्लिक करते हैं। देखिए आपके सामने ये विलेज का डैशबोर्ड ही आ जाता है। चाहे तो आप डेटा रिसीव क्या हुआ वो देख सकते हैं या फिर पेंडिंग या करेक्शन के लिए जो है क्या क्या है वो देख सकते हैं यहाँ से, प्योर वाइज देख सकते हैं, इंस्टॉलमेंट वाइज देख सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ नीचे स्टेट की जगह आपको चूज करना है जो भी स्टेट आपका हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आप अपना सब डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे और यहाँ से अपना विलेज, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, आप भी अपना इसी टाइप से करेंगे, ये रहा। और यहाँ से 100 पे क्लिक करेंगे। 100 पे क्लिक करते ही थोड़ा सा आपको वेट करने हैं, ये देखिए जबरदस्त आपके सामने पूरी डिटेल्स आने वाले हैं। यहाँ अभी फिलहाल हम इस जगह है विलेज स्टेटस पे, ठीक है। यहाँ देखिए कितने जो है कि रजिस्टर्ड हुए इस गांव में टोटल दिखे जा रहे हैं। उसके बाद पेमेंट स्टेटस देखिए, रिसीव ऑल पेमेंट अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो सारे दिख जाएंगे। और कितने जो है कि रिसीव हुए पार्सल पेमेंट के माध्यम से है ना, ये डायरेक्ट बैंक अकाउंट में और आधार कार्ड के माध्यम से पे देख सकेंगे। और ये देखिए कितना जो है कि पेमेंट नहीं हुआ अभी, ये कितनों को नहीं रिसीव हुआ यहाँ से देख सकेंगे। आगे देखिए आधार का जो है कि स्टेटस एक्सेप्ट हुआ कितना, रिजेक्ट हुआ कितना, इनवैलिड कितना आया और पेंडिंग कितना है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टेटस में आप देख सकते हैं यहाँ कितने रजिस्ट्रेशन हुए, कितने रिजेक्ट हुए, कितने एक्सेप्ट हुए और पेंडिंग कितने में है ना, इस टाइप से। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला, चलिए इसमें क्लिक नहीं, ये वाला भी क्लिक कर लेते हैं। इसमें क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ सारा डिटेल्स आ जाता है, जो भी रिसीव हुआ सारे का सारे यहाँ आएगा टोटल लिस्ट, और कितनों को कितना इंस्टॉलमेंट जो है कि यहाँ पे किया गया वो भी दिख जाएगा है ना। ये रहा, इसको 6 पेमेंट जो है कि मिला है ना। उसके बाद अच्छा ड्यू वाला ये है और यहाँ पेड वाला है, देख लीजिए आप लोग देख सकते हैं ना ये। और देखिए इधर है लिंक टू गेट डिटेल्स पे, अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं इसकी डिटेल्स इस टाइप से है ना। इसको जो है कि इतना यहाँ से मिला हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कब कब वो डेट भी दिया हुआ है इस टाइप से आप लोग देख सकते हैं। पेमेंट मोड अकाउंट है ना। उस प्रकार से हम इसको क्लोज कर लेते हैं, चाहे तो प्रिंट कर सकते थे वहाँ से। और अब हम देखेंगे यहाँ पार्सल पेमेंट कितनों को जो है हुआ वो, देखिए यहाँ पे उसका लिस्ट आपको दिख जाएंगे और आप इसे देख सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। कितना इसका ड्यू है, कितना आपको मिल गया ये देख सकते हैं।
और अब देखिए इधर नॉट पेमेंट है ना, रिसीव्ड नॉट पेमेंट, जिसका जो है कि पेमेंट जो है कि रिसीव नहीं हुआ, देख लीजिए वो भी यहाँ दिखेगा सारा डिटेल्स। फार्मर नेम रहेंगे इधर, फादर नेम नहीं दिया हुआ, रजिस्ट्रेशन पीरियड कब रजिस्ट्रेशन हुआ है इसका, और जो है कि ड्यू कितना है और कितना जो है कि पे किया गया, और जीरो ही पे होगा क्योंकि ये तो जो है पेमेंट रिसीव ही नहीं हुआ किस कारण से, रीजन यहाँ देख लीजिए आप देख सकते हैं सारे का सारे, किसी किसी का अलग भी है, रिजेक्टेड बाय बैंक अस पर बैंक अकाउंट नंबर इज इनवैलिड बता रहा है ना। तो चलिए किसी एक को यहाँ डिटेल्स उसका देख लेते हैं क्लिक करके, तो ये इस टाइप से है ना, यहाँ देख लीजिए फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय बीएफ एमएस बैंक, देखिए रीजन भी लिखा हुआ है, बैंक नेम आईएफएससी कोड आर नॉट रिलेटेड टू इच है ना, इस टाइप से। तो इन सबको सुधार सकते हैं या फिर आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं इसके बाद, या फिर ग्रीवियंस में आप जो है यहाँ से, मैंने ऑलरेडी इस पे शायद वीडियो बना के रखा हुआ है, नहीं तो फिर मैं दे दूंगा, यहाँ से हेल्प डेस्क में आप जो है कि यहाँ से कर सकते हैं ग्रीवियंस है ना, जो भी आपके पदाधिकारी वगैरह हैं वहाँ से आप ब्लॉक वगैरह से करवा सकते हैं। उसके आगे देखिए यहाँ फार्मर रजिस्टर्ड, ये भी आप देख सकते हैं कितने रजिस्टर्ड हैं, यहाँ से भी टोटल दिख जाता है ना, इस टाइप से आप लोग देख सकते हैं। अगर यहाँ आप क्लिक करेंगे तो टोटल यहाँ से भी दिख जाएगा आपका, इस टाइप से देख लीजिए सारे यहाँ दिखेंगे, और यहाँ से रिजेक्टेड वाले दिखेंगे है ना। उसके बाद अगर इस जगह पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको दिख जाएंगे, ये देखिए सारे के सारे इस टाइप से है ना, और यहाँ से भी दिख जाएंगे इस टाइप से जैसा कि मैंने बताया था। तो आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अगर ना आया हो तो डिसलाइक करें, और साथ ही साथ हमें ये भी कमेंट करके बता दीजिए आपको पसंद क्यों नहीं आया है ना, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए जो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन होगा, साथ ही साथ बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, इससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें जाने के लिए जय हिंद जय भारत आप लोग का।